हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मैनपुरी में समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में नौकरियां बिकती थीं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर अखिलेश यादव ने जोरदार प्रहार किया है और कहा है कि एक बार सदन में सीएम योगी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में 86 में से 56 एसडीएम एक ही जाति के हो गए हैं, इसकी आज तक सीएम योगी सूची नहीं दे पाए हैं। अखिलेश ने कहा है कि जिस सरकार ने पिछले 10 सालों में नौकरी ना दी हो उससे क्या ही उम्मीद की जाएगी। ये मुख्यमंत्री जाने वाले हैं इसलिए ये ऐसे बयान दे रहे हैं। अखिलेश यादव का यह बयान आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए, ये पत्रकार साथियों से मैं कहूंगा, ये बड़ा सब्जेक्ट है और इस पे जरूर रिसर्च आप लोगों को करनी चाहिए और रिसर्च इस बात की भी करनी चाहिए कि एक बार सदन में इन्हीं मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 46 में 56 एसडीएम हो गए एक ही जाति के, आज तक मुख्यमंत्री सूची नहीं दे पाए हैं। और मुझे खुशी है इस बात की, जिस समय उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती 2017-16 में हुई थी वो मेरिट पे हुई थी, कोई भी एक नौजवान नहीं कह सकता कि कहीं भी किसी तरह का भ्रष्टाचार हुआ हो या उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा हो या किसी का पेपर छूटा हो। सोचिए, मुख्यमंत्री को जवाब तो इस बात का देना चाहिए कि 30% बच्चों को परीक्षा लिखने से दूर रखा गया और जानबूझ करके कि जो गांव गरीब बच्चे हैं जो शहरों में या सेंटर नहीं ढूंढ सकते हैं उनका पेपर छूट जाए, इसीलिए इकट्ठी भर्ती कराई। हालांकि भर्ती हो जाए अच्छी बात है, लेकिन अभी नौकरी की बड़ी जरूरत है। जिस सरकार ने 10 साल में नौकरियां रोजगार न दिया हो उससे क्या उम्मीद करोगे आप? आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मैनपुरी की एक जनसभा में कहा कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस की सबसे बड़ी भर्ती की गई जिसमें कोई शिकायत नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं। 2017 से पहले हर नौकरी बिकती थी, उसकी नीलामी होती थी। समाजवादी पार्टी में अराजकता और गुंडागर्दी इनके डीएनए का हिस्सा है।